यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली के राउज आईएएस स्टडी सर्कल के 4 सह मालिकों को अंतरिम जमानत मिल गई है। 27 जुलाई को कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में बारिश के पानी घुस जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपियों को 5 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त पर 4 सह मालिकों को 30 जनवरी तक अंतरिम जमानत दी है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस डीके शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ताओं यानी 4 सह मालिकों ने जो कुछ भी किया वह अक्षम्य है, यह लालच का कार्य है, लेकिन मैंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पहलू को भी ध्यान में रखा और उन्हें 30 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर स्वीकार किया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को मामले में परविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, तजिंदर सिंह अजमानी और हरविंदर सिंह को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने रेडक्रॉस सोसाइटी के पास 5 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त पर सह मालिकों को जमानत देने का फैसला किया। बेसमेंट के को ओनर परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी कि वे केवल बेसमेंट के मकान मालिक हैं। जिस कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया गया था, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है। सीबीआई ने आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया था और तर्क दिया था कि जांच प्रारंभिक चरण में है और जब तक स्वतंत्र गवाहों की जांच नहीं हो जाती तब तक उन चारों को राहत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि वो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता वाली एक कमेटी का गठन करें। कमेटी ये सुनिश्चित करे कि किसी भी कोचिंग सेंटर में नियमों का उल्लंघन न हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार शहर में एक विशिष्ट स्थान बनाने पर विचार कर सकती है जहां छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोले जा सके। सीबीआई को जांच सौंपी गई। बता दें कि 2 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को दिल्ली पुलिस से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। कोर्ट ने घटना की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा था कि इसमें सरकारी अधिकारियों का भ्रष्टाचार भी शामिल हो सकता है। हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के कमिश्नर को निर्देश दिया था कि इलाके जहां पर यह घटना हुई है वहां पर नालों को ठीक किया जाए और नालों की क्षमता की भी जांच हो। इसके अलावा कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में अतिक्रमण और अवैध ढांचों को हटाने का आदेश भी दिया था। कोर्ट ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी को भी निर्देश दिया था कि वो सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक अधिकारी नियुक्त करें। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में 27 जुलाई की शाम एक दुखद हादसा हुआ जिसमें 2 छात्राओं और 1 छात्र की जान चली गई। बाहर सड़क पर बारिश का पानी जमा था जो कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में भर गया। हादसे के वक्त लाइब्रेरी में 35 से 40 छात्र मौजूद थे। हादसे के वक्त बाकी छात्र तो बाहर निकल गए लेकिन 3 स्टूडेंट्स वहीं फंसे रह गए। बेसमेंट में पानी भरने से उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना के तान्या सोनी और केरला के नेविन की मौत हो गई थी। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम ललन टॉप के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।